हाय गाइस, ये जो फोन मेरे आगे रखा है ये है Redmi Note 13 Pro Plus और बहुत सारी बातें हैं जो इस फोन से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। खैर, स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचय, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोगों का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूँ तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अच्छा, पता क्या गाइस, जो मेरे को इस फोन के बारे में एक चीज समझ में आई कि तीन डिपार्टमेंट में Redmi ने डिसाइड किया कि इस फोन को एकदम पीक पे ले जाएंगे। पीक से मेरा मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें दी है। जैसे कि डिजाइन डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, इस फोन में सबसे पहली बात वीगन लेदर फिनिश है और नो डाउट ये डिजाइन भी जो है देखने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर कलर ब्लॉक्ड डिजाइन मिल जाता है। मतलब कि कैमरे के अराउंड ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं इनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर है, अच्छा तो लग रहा है। इनफैक्ट हल्का भी है फोन। एक और चीज, इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। अब उसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो, फिंगरप्रिंट स्कैनर अच्छा वर्क करता है लेकिन इसके अंदर दो फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि अगर थंब स्वेट की वजह से वेट हो तब भी जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वर्क कर सकता है, तो एक अच्छी फंक्शनलिटी है। इनफैक्ट Xiaomi ने इस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर में ना हर्ट रेट मॉनिटरिंग का फीचर भी डाला हुआ है। बेस्ट पार्ट, जो स्पीकर्स है वो डुअल तो है ही, साथ में डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट भी है और बहुत अच्छे साउंड कर रहे हैं। और तो और, इस प्राइस सेगमेंट में हैप्टिक्स इन जनरल अच्छे मिलते नहीं है, बट इसके ठीक है। और टिपिकली Redmi के सारे फोन्स में आयर ब्लास्टर तो होता ही है, रिमोट वगैरह बन जाता है फोन, बट क्योंकि इस फोन के अंदर NFC भी दे दिया, अगर आप टैप टू पे करना चाहो ऑब्वियसली पॉसिबल है, तो मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि डिजाइन डिपार्टमेंट में सारी पीक्स को हिट करने की कोशिश की। और इस सेम चीज में डिस्प्ले डिपार्टमेंट के लिए भी बोलना चाहूंगा यार, क्योंकि यहाँ पर विक्टिस की प्रोटेक्शन मिलती है। गोरिल्ला ग्लास विक्टिस एक बहुत अच्छा ग्लास है, इस प्राइस सेगमेंट में थोड़ी तो तारीफ बनती है। और शायद से पहला Redmi Note सीरीज का फोन है जिसके अंदर कर्व डिस्प्ले आ रही है। अच्छी बात है कि भाई Xiaomi इस प्राइस सेगमेंट में फाइनली कर्व डिस्प्ले दे रहा है, लोगों को पसंद है। बट अच्छी बात पता क्या है, 1.5K रेजोल्यूशन है इस डिस्प्ले का, और ये चीज जैसे ही मैंने इस फोन को ऑन किया था मेरे नोटिस में आई थी कि नो डाउट डिस्प्ले शार्प है। वैसे 6.67 इंचेस की 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है इस फोन के अंदर और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ऑब्वियसली मिलता है, बट मेरे को एक और चीज अट्रैक्टिव ये लगी कि 1800 nits की पीक ब्राइटनेस है, जो कि बहुत अच्छा नंबर। और मैंने तो प्रैक्टिकली भी टेस्ट करा है, आउटडोर विजिबिलिटी डायरेक्ट सनलाइट में अच्छी दिख रही है मुझे। और मोस्ट इंपोर्टेंटली कंटेंट व्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो यार, इसमें डॉल्बी विजन का सपोर्ट है जो कि मैंने नेटफ्लिक्स पे टेस्ट किया, अच्छा आउटपुट आ रहा है। इनफैक्ट यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कंटेंट देखने का। बट फिर से उस पीक वाले पॉइंट पे आता है जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अभी तक डिजाइन और डिस्प्ले पीक में गया है क्योंकि मैंने जैसे फीचर्स बताए हैं ये सारी चीजें अच्छी है। थर्ड चीज जो मैंने बोला था जो कि पीक पे गई है वो बैटरी भी है, क्योंकि 120 वॉट की चार्जिंग है। क्योंकि Xiaomi का ये भी क्लेम है कि 100% फोन 19 मिनट में चार्ज जाएगा, ये भी बहुत अच्छा नंबर है। 5000 mAh की बैटरी है, ये भी बड़ी मानी जाती है, गुड कॉम्बिनेशन है। इन शॉर्ट, मैंने यही फील किया कि इस फोन में ना इन तीन डिपार्टमेंट में कोशिश की है Redmi ने कि मैक्सिमम चीजें प्रोवाइड करा दे आप लोग को। अच्छा, सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, ये फोन जो है Android 13 पे आता है MIUI के साथ, अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट है, लेकिन मैंने ब्रांड से कंफर्म किया है कि HyperOS कब आएगी Android 14 के साथ, तो उनका कहना है कि ये चीज जल्दी होगी, आई होप ये चीज जल्दी हो जाए। बाकी इस फोन में कुछ प्री इंस्टॉल एप्स मिलती है लेकिन अनइंस्टॉल की जा सकती है। अब इस फोन की जो परफॉर्मेंस है उसको लेके मेरे पास कुछ पॉइंट्स है जो मैं रखना चाहूंगा। देखो, पहले आपको ये पता होना चाहिए इस फोन के अंदर MediaTek Dimensity 7200 अल्ट्रा चिप है। देखो, जब मैंने इस फोन के एंटूटू स्कोर्स देखे जो कि 7.5 लाख के अराउंड आया है, मेरे को एक डिसेंट नंबर लगा। और इस सिमिलर स्टोरी मुझे Geekbench रन करने के बाद भी फील हुई। बट जब इस फोन में मैंने CPU थ्रॉटलिंग रन करा ना और वो जब ग्रीन ग्राफ देखा तो लगा कि नो डाउट एफिशिएंसी और थोड़े थर्मल मैनेजमेंट ओके है इसकी। देखो, ये सारे बेंचमार्क्स देखने के बाद एक चीज तो ऑब्वियसली क्लियर है कि जो भी नॉर्मल टास्क होते हैं फोन में, चाहे फिर आप कोई भी ऐप खोलो सोशल मीडिया वाली, इजीली हैंडल हो जाएगा। बट मैंने देखा है लोगों का मेन कंसर्न है कि गेमिंग कैसे हैंडल करता है फोन, उसके लिए थोड़ी बहुत टेस्टिंग मैंने करी है। सबसे पहले ये बता दो, अच्छी बात ये है कि चाहे फिर कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर BGMI की बात करूं, दोनों पे 90 FPS का ऑप्शन मिलता है। इनफैक्ट एक और चीज मैं कंफर्म कर सकता हूं कि जब मैंने 30 मिनट के लिए COD खेला इस फोन पे 90 FPS सेटिंग्स के साथ, तो मुझे कंसिस्टेंट फ्रेम रेट्स मिले। और सिमिलरली बाकी गेम्स भी जो मैंने टेस्ट करे वो ये हैंडल कर पा रहा है। देखो, फैक्ट की बात ये है कि अगर आपको BGMI COD टाइप ऐसे गेम्स खेलने 90 FPS पे, ऑब्वियसली फोन हैंडल कर जाएगा। अगर आपको और बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो आप बाकी ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। और लास्टली वेरिएंट्स के बारे में बता देता हूं, इस फोन का बेस वेरिएंट जो है 8GB रैम और 256GB स्टोरेज से स्टार्ट होता है, फिर 12GB रैम और 256GB स्टोरेज का एक और वेरिएंट है, फिर 12GB रैम और 512GB स्टोरेज का लास्ट वेरिएंट है। फाइनली इस फोन के कैमरे के बारे में बात करते हैं, 200+8+2 MP का कैमरा सेटअप है। सीधा ना फोटोज दिखाता हूं मैं आपको, 200 मेगापिक्सल से जितनी भी मैंने फोटोज खींची है इनफ डिटेल्स आती है। इनफैक्ट यहाँ पर Redmi का ये कहना है कि 4x ये जूम कर सकता है,
और ऑब्वियसली मैंने ट्राई किया और अच्छे रिजल्ट्स तो आ रहे हैं। एक और चीज मैंने नोटिस करी है कि अगर मैं किसी सब्जेक्ट की फोटो खींच रहा हूँ तो बैकग्राउंड में नेचुरल ब्लर आ जाता है। इनफैक्ट कुछ कुछ फोटोज में तो मैंने ये भी नोटिस करा है कि टेक्सचर ये रिटेन कर पाता है। खैर पोर्ट्रेट मोड की बात करो तो वहां पर एज रिडक्शन हमें अच्छी देखने को मिलती है। बाकी ऑब्वियसली यार कोई भी स्मार्टफोन का कैमरा परफेक्ट तो नहीं होता, कुछ कुछ इनकंसिस्टेंसीज होती है। बाकी वीडियो की बात करो तो बैक कैमरे से 4K रिकॉर्डिंग हो जाती है, लाइक डिसेंट आउटपुट है, और जो फ्रंट कैमरा है वो 1080p रिकॉर्डिंग करता है। बाकी जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, अब तो मैंने बोलना शुरू कर दिया, वो ट्रेडिशनल 8 मेगापिक्सल की तरह परफॉर्म करता है। और हाँ, इस फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, मेरे हिसाब से ठीक परफॉर्म करता है। और लो लाइट की भी मैंने काफी फोटोज खींची है, अगर मैं स्टेबल हाथ से फोटोज खींच रहा हूं तो मुझे लगता है कि ब्राइटनेस अच्छी खासी आ जाती है और डिटेल भी। तो लास्ट में जो इस फोन की प्राइस की बात कर लेते हैं, देखो जो स्टार्टिंग वेरिएंट है वैसे वो 32,000 रुपीस का है, बट ऑफर लगाने के बाद 30,000 रुपीस का मिलता है, और जो हाईएस्ट वेरिएंट है वो ऑफर लगाने के बाद 34,000 रुपीस तक जाता है। तो अगर आपको रेडमी का फोन चाहिए प्रीमियम फीचर्स के साथ तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन बताओ, आपके हिसाब से फोन कैसा है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बर आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।